जिला के चौका थाना क्षेत्र के दुबराजपुर के पास टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ईचागढ़ प्रखंड के पाटपुर निवासी आशा लता सिंह मुंडा के रूप में की गई है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं GVN24। मिली जानकारी के अनुसार पाटपुर निवासी गुरुचरण सिंह मुंडा अपनी बेटी जोवा सिंह मुंडा को परीक्षा दिलाने सिंहभूम कॉलेज चांडिल ले जा रहे थे। जोवा सिंह मुंडा कॉलेज चांडिल में हिंदी ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर की छात्रा है। बाइक पर गुरुचरण सिंह मुंडा के अलावा उनकी पत्नी आशा लता सिंह मुंडा, बेटी जोवा सिंह मुंडा और उसकी बेटी का 6 माह का दूध मुहा बच्चा भी मौजूद था। इस दुर्घटना में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे खरोंच तक नहीं आई है। भरतपुर से चांडिल जाने के क्रम में दुबराजपुर के पास बाइक पर पेट्रोल भरने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करने के दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सभी को कुचल दिया। इस घटना में बाइक पर सवार आशा लता सिंह मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जोवा सिंह मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुर्घटना में गुरुचरण सिंह मुंडा और 6 माह का दूधमुहा बच्चा सुरक्षित है। सड़क दुर्घटना की सूचना दिए जाने के बाद करीब 1 घंटा विलंब से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचा। इस दौरान घायल सड़क पर ही तड़पती रही। घटना की जानकारी मिलते ही चौका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मृतिका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 6 माह के दूधमुहे बच्चे को सुरक्षित देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और कह रहे थे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दुर्घटना के बाद चौका थाना की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस धक्का मारने वाले वाहन को अभी भी तलाश रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN24।